डेढ़ वर्ष का बच्चा चोरी करने वाली महिला गिरफ्तार। महाराष्ट्र थाने के कोपरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रेलवे परिसर के प्लेटफार्म नंबर 10 के पास रहने वाली 27 वर्षीय राधा नाम की महिला के 1.5 वर्षीय बच्चे को अनजान व्यक्ति ने अपहरण कर लिया था। बच्चे की मां रोती बिलखती कोपरी पुलिस स्टेशन में जाकर बच्चे की अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। कोपरी पुलिस ने 3 टीम गठित करके CCTV की मदद से आरोपी तक जा पहुंची और सहिता महराजुद्दीन शेख नाम आरोपी महिला को गिरफ्तार करके उसके पास से बच्ची को बरामद कर पुलिस ने बच्ची को उसकी मां को सौंप दिया। आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अभी आरोपी महिला कितने बच्चों का अपहरण कर चुकी है इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। राधा, क्या बताओगे क्या हुआ था हादसा जो आपके साथ? मैंने मेरे बच्चे लेके दो बच्चे लेके सोई थी। एक मिनट इसको ले ले। दोपहर में मंग के आई है पैसा, तो फिर ईटी में वो थाना स्टेशन में वो टिकट फारने मिली मेरे को, बुरका पहन के आई थी। तो मेरे को बता रही थी तेरे को बच्ची बेचने, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है बोलते। तो पैसा जितना मांगेंगे उतना देंगे तेरे को। मैंने बोली नहीं देंगे, मैं बच्चे नहीं देती बोली। फिर उठा मैं, फिर रात में मैंने क्या किया, मैंने खाया पिया, बच्चों को खिलाए। क्या क्या किसने चोरा था बच्चा? किस तरह से आपको तकलीफ हुई थी बच्चा चोरने के बाद? क्या धोनी कीजिए किस तरह से पुलिस स्टेशन ने आपको साथ दिया? साथ दिया ना, इधर से हम स्टेशन उधर इसमें गए थे, दो लड़के थे। मेरे को बोले मेरे को उठा है, मेरे को बोले बच्चे थे किधर गई लड़की। मैंने बोली फिर उठे में मैंने उठ के फिर ये होने लगी थी, रोने लगी, देख रही थी उधर, देख रही थी फिर उधर से लगी उधर और हम तक भगते गए। उधर देखे फिर उधर दूसरे दो पुलिस वाले थे, उनको बताए। फिर उन्होंने क्या बोले, नहीं हमारे से नहीं होता है। दूसरे दो टिकट फारे, दो नंबर। कितने बच्चे आपको, कितने बच्चे? दो बच्चे। कौन से बच्चे को लेके गए थे? कितने? 30 लड़के को। 30 लड़के। आपका क्या, कहाँ पे रहते, क्या काम करते? हम थाना में रहते हैं। कभी बंगाल चुनते, कभी मारते। पुलिस ने साथ दिया, साथ दिया। शुक्रिया। राधा मुरलीकर नाम की महिला जो बेसिकली कचरा और वो सब कलेक्ट करने का काम करती है, वो रेलवे स्टेशन के वहाँ पे अपने बच्चों के साथ वहाँ पे गुजारा करती है। रात को 1:30 बजे के करीब उसका जो 1.5 साल का बच्ची थी वो वहाँ से गायब हो गई थी। उसके बाद में उसने पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट की, तो उसके बाद में हमने अपहरण का गुनाह यहाँ पे कोपरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया। हमने हमारे पी आई अग्रकर, पी आई गाँव के ACP नीलेवर सर और उनके पूरे गाइडेंस के अंदर हमने टीम स्थापन किए और हमारी टीम्स ने
आज पूरे दिन में 12 घंटों में हमने पूरी जो अपहरण की घटना थी उसको डिटेक्ट किया, और उसमें हमने एक विकी सोनारे नाम का 15 साल का बच्चा है उसको हमने ताबे में लिया है, और जो प्रमुख महिला है शंस्था शेख उसको हमने अरेस्ट करके उसके पास से जो बच्चा किडनैप हुआ था उसको भी हमने लेके हमने उसके जो माँ है उसको हमने उसको अभी फिलहाल तो उसका जो मोटिव है अभी तक तो कुछ सामने पता नहीं चल रहा है, बट अभी इन्वेस्टिगेशन में अभी जस्ट हमने उसको अरेस्ट किया है, तो आगे हम इन्वेस्टिगेशन में उसको कस्टडी लेके उसका आगे जांच करेंगे। बच्चा चोरी गैंग से कुछ कनेक्शन हो सकता है क्योंकि इसमें तो पैसे का किडनैपिंग अभी फिलहाल तो उस पर मैं बोल नहीं पाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन में आरोपी जो अभी तो उसका बैकग्राउंड कुछ है वो घर पे काम करती है, ऐसा कुछ उसको कहीं काम करती है ऐसा कुछ नहीं है, और जो लड़का है नए संघर्षित जो बालक है वो वहीं पे वो छोटे मोटे पेपर वगैरह बेचने का या छोटे मोटे ऐसे कुछ बेचने का काम। सर टाइगर में जिस तरह से 5 आरोपी को पकड़ा गया किस तरह से लीक थी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग बड़ा रैकेट हो सकता है? नहीं अभी तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि इसका बैकग्राउंड वगैरह ये यहाँ की नहीं रहे तो गोवंडी के बेसिकली